यूपी की बांदा जेल में बंद रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मार्च महीने में मौत हो गई थी, जिसके बाद मुख्तार के परिजनों ने जेल प्रशासन पर स्लो पॉइजन दिए जाने का आरोप लगाया। यानी उनका कहना था कि मुख्तार को धीमा जहर दिया जा रहा है। वहीं इसको लेकर मजिस्ट्रियल जांच कराई गई थी, जिसके बाद अब इसकी रिपोर्ट सामने आ गई है और साथ ही बांदा जिले के डीएम ने इसे शासन को सौंप दिया है। वहीं इस पूरी रिपोर्ट में क्या सामने आया है इस वीडियो में आपको बता देते हैं। जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट में मुख्तार की मौत की वजह जहर नहीं बल्कि हार्ट अटैक बताई गई है। गौरतलब है कि उस समय जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें भी मौत की वजह हार्ट अटैक ही बताई गई थी। वहीं इस पूरे मामले पर एडीएम ने बताया कि वैज्ञानिक और तमाम साक्ष्यों से सामने आया कि परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद थे। शासन को अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भी भेज दी गई है। साथ ही जांच के तरीकों पर भी बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले पर मजिस्ट्रियल जांच के दौरान जांच टीम ने जेल पहुंचकर मुख्तार की बैरक से खाने पीने के रखे सामान के सैंपल लिए और उन्हें वैज्ञानिक जांच के लिए भेज दिया। वहीं उस समय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, जेलर और जेल अधीक्षक के बयान लिए गए। इसी के साथ इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस चालक से भी बात की गई। मुख्तार का पोस्टमार्टम कराने वाले डॉक्टरों के बयान लिए गए। साथ ही जांच टीम ने बार बार मुख्तार के परिजनों को बयान देने के लिए बुलाया, मगर मुख्तार के परिजन बयान देने के लिए नहीं आए। ऐसे में अब डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। मैं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में 28 मार्च को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे तत्काल बांदा मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया था। वहीं मुख्तार के परिवार ने उन्हें धीमा जहर दिए जाने के आरोप लगाए थे। हालांकि अब मजिस्ट्रियल रिपोर्ट सामने आने से ये तमाम आरोप बेबुनियाद साबित हो गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।